बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था, उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। जब जामुन के पेड़ में फल आए तो बंदर तो जामुन के मीठे मीठे और रसीले फल खाता था, साथ ही नीचे भी गिराता था जिन्हें उसका मित्र मगरमच्छ भी खाता था। दोनों दिन भर बातें करते और मीठे मीठे फल खाते थे और दोनों को दोस्ती मजे से कट रही थी। मगरमच्छ ने सोचा कि मैं अकेला ही स्वादिष्ट फल खाता हूँ, क्यों ना कुछ फल अपने घर रख लूं। मगरमच्छ कुछ फल अपनी बीबी के लिए ले गया। उसकी बीबी ने भी फल खाए, उसे भी फल बहुत अच्छे लगे। इस तरह वह रोज अपनी बीबी को जामुन के फल ले जाने लगा। एक दिन मगरमच्छ की बीबी ने पूछा, तुम इतने मीठे रसीले जामुन के फल किधर से लाते हो? मेरा एक दोस्त है बंदर, वह जामुन के पेड़ पर रहता है और वह भी फल खाता है और मुझे भी फल खिलाता है। मगरमच्छ की बीबी ने सोचा, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। फिर एक दिन वह मगरमच्छ से बोली, तुम्हारा मित्र बंदर रोज मीठे फल खाता है, उसका कलेजा तो बहुत मीठा होगा। आज मुझे बंदर का कलेजा खाना है। बंदर मेरा मित्र है, मैं उसका कलेजा नहीं ला सकता। मगरमच्छ की बीबी मगरमच्छ पर बहुत ज्यादा नाराज हुई और बोली, जब तक तुम बंदर का कलेजा नहीं लाओगे मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। मित्र, आज तुम्हारी भाभी ने घर में बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और तुम्हें खाने पर बुलाया है। स्वादिष्ट पकवानों का नाम सुनकर बंदर के मुंह में पानी आ गया और वह मगरमच्छ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बंदर को तैरना नहीं आता था। बंदर मगरमच्छ से बोला, मित्र मुझे तैरना नहीं आता। मित्र बंदर, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लिए चलता हूँ। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और पानी में सवारी करने का मजा ले रहा था। दोनों बात करते करते नदी के बीच में पहुंच गए। बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को बतला दिया कि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए वह बंदर को अपने घर ले जा रहा है। यह बात सुनकर बंदर को झटका लगा और बहुत दुख हुआ कि जिस मगरमच्छ को वह मीठे मीठे जामुन के फल खिलाता था वही मगरमच्छ उसका कलेजा अपनी बीबी को खिलाना चाहता है। बंदर पहले तो बहुत डर गया, फिर उसने अपने आप को संभाला। बंदर बोला, मित्र तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बतलाया? मैं तो अपने कलेजा उसी जामुन के पेड़ पर भूल आया हूँ। अगर भाभी को कलेजा चाहिए तो पहले हमें उस पेड़ पर चलना होगा, फिर मैं कलेजा लेकर वापस तुम्हारे साथ चलूंगा। मगरमच्छ बेवकूफ था, बंदर की बातों में आकर वापस जामुन के पेड़ के पास पहुंच गया। बंदर छलांगे मारकर वापस जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और विश्वासघाती मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, अपना कलेजा क्या कोई बाहर रखता है? तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुझे कभी फल भी नहीं खिलाऊंगा। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ बेइज्जत होकर अपने घर लौट आया। अब उसे मीठे फल मिलना भी बंद हो गए। शिक्षा: बंदर और मगरमच्छ की कहानी से हमें सीखा मिलती है कि कभी भी विश्वासघातियों और दुष्टों की दोस्ती नहीं करनी चाहिए और संकट के समय अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए।